अगर आपके घर में भी रसोई गैस सिलेंडर है और आप भी इंडियन ऑयल के ग्राहक हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल इंडियन ऑयल अपने ग्राहकों के लिए हाल ही में नया LPG कंपोजिट सिलेंडर लॉन्च किया है। इस सिलेंडर को स्मार्ट किचन को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। यही कारण है कि इसे स्मार्ट सिलेंडर भी कहा जाता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस सिलेंडर की खासियत क्या है, तो आपको बता दें कि इंडियन कंपोजिट सिलेंडर की खासियत ये है कि कुछ हिस्सों तक पारदर्शी है। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी गैस बची हुई है और कितनी खर्च हो गई है। इसी खासियत के चलते अगर गैस चोरी हुई तो आपको पता चल जाएगा। अब कंपोजिट सिलेंडर बिहार के कई जिलों के साथ उपभोक्ताओं को भी मिलने लगा है। अब तक ये बिहार के पटना, गया, आरा, नालंदा और बेगूसराय में ही मिलता था, लेकिन अब ये हाजीपुर में भी मिलने लगा है। हाजीपुर छठवां शहर है जहां कंपोजिट सिलेंडर की शुरुआत की गई है। हाजीपुर में इसी माह से IOC के डिविजनल एरिया ने टाउन एरिया से इसकी शुरुआत की है। आपको बता दें कि कंपोजिट सिलेंडर की शुरुआत सितंबर 2021 में पटना से हुई थी। ये सुरक्षित और हल्का होने के कारण साथ साथ इस सिलेंडर में कई खूबियां भी है। IOCL के डिविजनल LPG हेड ने बताया कि कंपोजिट सिलेंडर का दायरा चरणबद्ध ढंग से बढ़ाया जा रहा है। इस सिलेंडर का कुछ हिस्सा पारदर्शी है, इससे उपभोक्ता गैस की मात्रा बाहर से ही देख सकेंगे। गैस खत्म होने से पहले ही दूसरे सिलेंडर के लिए बुकिंग कर सकते हैं। लाल रंग वाले लोहे की सिलेंडर में कितना गैस है इसका पता नहीं चल पाता है। जब अचानक गैस खत्म हो जाता है तो उपभोक्ताओं को परेशानी होती है, लेकिन इस सिलेंडर में ऐसा नहीं होगा। दूसरी खास बात ये कि इसमें जंग नहीं लगता और लाल सिलेंडर से हल्का भी होता है। अब ये सिलेंडर पटना, गया, आरा, नालंदा और बेगूसराय के साथ साथ हाजीपुर के टाउन एरिया में भी उपलब्ध हो गया है। एक माह में हाजीपुर की सभी एजेंसियों के पास उपलब्ध हो जाएगा। आपको बता दें कि पटना जिले में अभी कंपोजिट सिलेंडर के उपभोक्ता करीब 900 है, जबकि कुल LPG उपभोक्ता की संख्या 8.9 लाख है। जिले की कुल 70 एजेंसियों में कंपोजिट सिलेंडर की उपलब्धता रहने के बाद भी कंपोजिट सिलेंडर के उपभोक्ता अभी कम है। इसके प्रति लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। बिहार LPG वितरण संघ के महासचिव डॉक्टर राम नरेश सिन्हा ने कहा, जागरूकता की कमी है। हालांकि जो उपभोक्ता कंपोजिट सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं वे बेहद ही संतुष्ट हैं। ये सुरक्षित है क्योंकि इसमें विस्फोट होने की संभावना नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सिलेंडर को लेने में क्या खर्च आएगा, तो आपको बता दें कि 10 किलो के LPG कंपोजिट सिलेंडर के लिए 3,350 रुपए और 5 किलो के सिलेंडर के लिए 2,150 रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। अगर आप चाहें तो अपने पुराने स्टील सिलेंडर से कंपोजिट सिलेंडर को बदलवा सकते हैं। इसके लिए पुरानी सिक्योरिटी मनी और नई सिक्योरिटी मनी के अंतर राशि ही देनी होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। डेस्क से राजकमल की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।